डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, यानी कि स्केलेटल सिस्टम के मसाइल, क्या क्या स्केलेटल सिस्टम में इश्यूज प्रॉब्लम आ सकती हैं, ठीक है। तो इसमें दो बड़े प्रॉब्लम है, एक है आपका ऑस्टियोपोरोसिस और एक है आपका अर्थराइटिस। ऑस्टियोपोरोसिस और अर्थराइटिस में क्या फर्क है, ठीक है। अब ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो का मतलब होता है आपका बोन, हड्डी, और पोरोसिस का मतलब होता है घिसना, ठीक है, हड्डियों का घिसना, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर ये जो हड्डियां होती है इसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं इनकी डेंसिटी में कमी हो जाती है और हड्डियां जो है वो खोखली हो जाती है, घिस जाती है, ठीक है। और ये बीमारी जो है, प्रॉब्लम जो है, ये अडल्ट बाले लोगों में और स्पेशली जो ओल्ड पीपल्स होते हैं जिनकी एज ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वक्त के साथ साथ उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और स्पेशली इन व्हाट, इन ओल्ड वीमेन, जो ज्यादा उम्र की औरतें होती हैं उनके अंदर। इसकी क्या वजह, क्या क्या इसमें चीजें जो है, क्या कमी आती है। अब इनके अंदर डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ बोन्स, ये जो हड्डियां उनकी डेंसिटी में कमी आ जाती है, किस चीज में कमी आ जाती है, कैल्शियम आयन में और फास्फोरस आयन में, यही दो कंपोनेंट है मिनरल जो उसको मजबूत करते हैं। अब इसकी वजह क्या है, मैल न्यूट्रिशन, यानी कि पुअर पीपल्स आर मोस्टली, पॉवर्टी, गुर्बत जो है। कैसे मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है, ऐसी खुराक लेना जिसके अंदर न्यूट्रिएंट की क्या हो, कमी हो, लैक्स। अब इसमें क्या, प्रोटीन और विटामिन सी, इन दो चीजों की डेफिशिएंसी जो है वो इसकी वजह बनती है। इसके अलावा नंबर टू जो है वो क्या हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटी। मसलन आप मेल न्यूट्रिशन के अंदर ओवर न्यूट्रिशन की है, ज्यादा खाना और काम कोई ना करना, फैटी चीजें खाना और उसके मुताबिक एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो। और डेफिशिएंसी इन एस्ट्रोजन हार्मोन, ये जो फीमेल्स होती हैं इनके अंदर जो है, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसका काम होता है हड्डियों के अंदर डिपॉजिट होना, मिनरल्स की मात्रा का इजाफा करना। जैसे ही उनके अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है फीमेल के अंदर स्टॉप हो जाता है, तो ये इतनी मकदार में खारिज नहीं होता कि ये डिपॉजिट हो सके बोन्स के अंदर और बोन्स को क्या कर सके जी, मजबूत कर सके, ठीक है। तो ये सारे वजूहत है ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों के घिसने की। उसके बाद सेकंड नंबर पे अर्थराइटिस, व्हाट इज मेंट बाय अर्थराइटिस, अर्थराइटिस कहते हैं जोड़ों के अंदर सोजिश हो जाना, स्वेलन हो जाना, इन्फ्लेमेशन जो है इन बोन्स, इन जॉइंट्स, जॉइंट्स के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन, सोजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और ये भी ज्यादातर ओल्ड एज में होती है, ओल्ड एज पीपल्स, और स्पेशली किसके अंदर, वीमेन के अंदर, बिकॉज दे हैव नॉट अ प्रॉपर टाइम ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। इसके अंदर क्या सिम्टम हो सकते हैं जी, पेन्स, दर्द हो जाती है और स्टिफनेस ऑफ इन जॉइंट्स, जॉइंट जो है वो सख्त हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, ठीक है, और पेन फील होती है, स्पेशली कब, जब वेट बीरिंग जॉइंट्स, वेट बीरिंग जॉइंट्स कौन से होते हैं, ऐसे जॉइंट जो वजन को बर्दाश्त करते हैं, जैसे हमारे एंकल्स, टखने, इसके अलावा हिप। इसका काम क्या होता है, बॉडी के वेट को क्या करना, बियर करना, ठीक है, समझे बात की। तो इनके अंदर स्टिफनेस हो जाती है, और इसके ट्रीटमेंट क्या है, इसको कैसे आमतौर पर इलाज किया जाता है, कोई पेन किलर वगैरह लेते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन दी जाती है जो इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट यूज होती है। इसके डिफरेंट टाइप्स है और इसकी मेजर जो है ना, थ्री टाइप्स है। नंबर वन जो है वो है जी आपका जी पोस्टियो अर्थराइटिस, यानी कि हड्डियों के अंदर जो मसाइल होते हैं, ऐसी हड्डियां जिनके हड्डियों के दरमियान जो जॉइंट बुनियादी तौर पर आते हैं उनके दरमियान, इनके दरमियान क्या होता है, जो कार्टिलेज होता है वो घिस जाता है, डीजनरेशन हो जाती है कार्टिलेज की। उसमें से कौन सा कार्टिलेज, ऐसा कार्टिलेज जो दो जो जोड़ होते हैं उनके दरमियान पाया जाता है, वो डीजनरेशन हो जाता है, डीजनरेशन मीन उसमें से घिस जाता है, खारिज हो जाता है, किसकी वजह से, और क्या वजह हो सकती है, ड्यू टू डिक्रीज लुब्रिकेंट प्रोडक्शन एट जॉइंट्स, जो जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर लुब्रिकेंट्स कम हो जाती है, ठीक है, फ्लूड कम हो जाता है जिसकी वजह से रगड़ पैदा होती है, ठीक है। और फिर क्या होते हैं, जब बोन्स के अंदर रगड़ पैदा होती है जॉइंट्स के ऊपर, तो वो हड्डियां आपस में फ्यूज हो जाती हैं, फ्यूज होने से आपस में फंस जाती हैं, और फंस जाने से बिल्कुल करीब आ जाती हैं, जिसकी वजह से जोड़ों के अंदर क्या हो जाती है, दर्द होती है, यानी कि जोड़ जो होते हैं ना वो इमूवेबल हो जाते हैं, हरकत ना करने वाले हो जाते हैं। दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम रिलेटेड टू अर्थराइटिस। उसके बाद है रियोमेटेड मोइटेड अर्थराइटिस, ये कौन सा अर्थराइटिस है, इसके अंदर जो जॉइंट्स की मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके अंदर क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजन हो जाती है जॉइंट्स की मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। अब जॉइंट्स की मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या और हो सकता है, इसके अलावा क्या इसके सिम्टम्स है,
मसल फटीग्स हो जाते हैं, ठीक है, मसल क्रैम्पिंग हो जाती है, लो ग्रेड फीवर हो जाता है, हल्का सा फीवर हो जाता है, पेन दर्द होती है, स्टिफनेस इन जॉइंट्स, जॉइंट्स के अंदर सख्तपन हो जाता है, हार्ड हो जाता है जॉइंट्स, ठीक है, ये जी इसको कहते हैं रोमेटेड अर्थराइटिस। गोइट जिसको आमतौर पर आपने सुना हुआ है गैंटिया, यानी कि इसकी क्या वजह होती है कि ये जो यूरिक एसिड होता है इसकी क्रिस्टल जो है ये जो आपकी हरकत करने वाले जॉइंट्स होते हैं उनके दरमियान आके क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, एक्युमुलेशन हो जाती है, खास तौर पे जो आपका टॉय जॉइंट्स है, ठीक है, इसके अंदर अटैक होता है और इसकी वजह से वो जो इंसान है वो चलने में क्या होता है दिक्कत महसूस करता है, चल नहीं सकता, चलेगा तो जोड़ों के अंदर क्या होती है दर्द होती है। ये सारा आर रिलेटेड टू क्या है, डिसऑर्डर इन व्हाट, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के अंदर दो बड़े इश्यूज हो सकते हैं, एक आपका जोड़ का इश्यू हो सकता है, दूसरा आपका हड्डियों का हो सकता है। हड्डियों को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, अगर जॉइंट का इश्यू हो तो उसे कहते हैं अर्थराइटिस, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर ये है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करें, अपनी न्यूट्रिशन का खास ख्याल रखें और न्यूट्रिशन जो है उसका सही यूज भी करें, मतलब फिजिकल एक्टिविटी, ये नहीं है खाना खाए जाए ओवर ईटिंग करते जाए और जो है एक्सरसाइज कोई भी ना ओवर है कोई भी ना हो, मेंटली के साथ साथ फिजिकल वर्क होना भी लाजमी है, ठीक है। उसके अलावा ये एज का भी फैक्टर होता है इसमें कि एज के साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो जो है आपके जो बोन्स है वो भी कमजोर हो जाती हैं और आपके जोड़ जो है वो भी कमजोर हो जाते हैं, उनके अंदर यूरिक एसिड वगैरह की कंसंट्रेशन में इजाफा हो जाता है, ठीक है, और हड्डियों में से जो कैल्शियम आयन जो है फास्फोरस आयन जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब एज ज्यादा हो जाती है तो ओवर प्रोटीन विटामिन भी लेना जो है वो भी इसको डाइजेस्ट अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि स्टोमिक जो है वो भी कमजोर हो जाता है, ठीक है। दैट इज रिलेटेड टू डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के मतलब क्या है, मसाइल जो है ना वो है उनका देखा क्या है सोल्यूशन है।